एस्ट्रो मीट शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्या राशि मई 2022-23 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए खास है, ध्यान से इसको देखें और सुने, क्योंकि मई के महीने में आपका स्वास्थ्य, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका डिजायर, लाभ और धन कैसा होगा, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपके प्रथम भाव से देखा जाता है और प्रथम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं पूरे महीने, और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है और राहु के साथ ये बुद्धि जड़त्व दोष बना भी रहे हैं। तो थोड़ी सी आप मई के महीने में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आपको स्टमक, आपको लीवर, आपको एंजाइटी, आपको हेडेक, फीवर, कोल्ड कफ इत्यादि आपसे ग्रसित हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, ख्याल करें। अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शनि षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा है। शनि का षष्ठम में होना अच्छा माना जाता है, तो संतान से आपकी कोई चिंता नहीं होगी। अगर आप कोई विद्यार्थी वर्ग है तो उनकी शिक्षा भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, तो उनका भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार जो आपके लवर्स हैं, जो प्रेमिका है या प्रेमी है, तो उनसे थोड़ी सी आपके खटपट बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी दूरियां बन सकती है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, एक दूसरे को ताना तानी व्यंगात्मक बातें बोल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी खटपट आपके वैवाहिक जीवन में भी हो सकती है। और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल करें, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में से ही गोचर कर रहे हैं 2 मई तक, और 2 मई के बाद वो दशम भाव से आ जाएंगे, मिथुन राशि से गोचर करेंगे, तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अपने काम के प्रति थोड़ा सीरियस रहें। आपके जो बॉस हैं उसे बॉस से तालमेल बना के रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। थोड़ी सी आप मानसिक परेशानी हो सकती है, तनाव हो सकता है, बॉस से थोड़ी दूरियां बन सकती है या बॉस आपके काम से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ बुद्धि जड़त्व दोष बना भी रहे हैं। अगर लाभ की बात करें तो लाभ डिजायर आपके एकादश भाव से देखा जाता है और उसके स्वामी चंद्रमा हर 2.25 दिन में आपके राशि परिवर्तन करते हैं, तो लाभ कभी होगा और कभी नहीं होगा, क्योंकि भाग्य का साथ तो मिल रहा है इसीलिए लाभ होगी, क्योंकि धन का भी आगमन होगा, क्योंकि धन आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र आपके
स्वराशि वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं 2 मई तक, उसके बाद मिथुन राशि से गोचर करेंगे तो धन का आगमन होगा, आपकी डिजायर्स फुल होंगे, आपका प्रॉफिट भी होगा, लाभ भी होगा। लेकिन सेहत का ख्याल करें और अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने वाणी पर कंट्रोल करें। गुरु की 5 दृष्टि होती है, आपकी 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ने से आप विदेश से कारोबार करते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश से जो भी है वो उसके लिए आपका गुरुदेव आपको पूरा करेंगे। सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो आपके भाग्य स्थान से फिर गोचर करने लगेंगे, वृषभ राशि से गोचर करेंगे। और मंगल आपके 11 मई को आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे तो लाभ होगा, धन का आगमन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। केवल कैरियर में बाधाएं थोड़ी हो सकती है, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अपनी लाइफ पार्टनर पर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे निजात पाने के लिए आप बुध देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को हर बुधवार को लड्डू चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, जिससे उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। शनि के आप बीज मंत्र का संध्या काल में 108 बार जाप करें और उगते हुए सूर्य को आप जल दें। इसी के साथ मैं कन्या राशि मई 2023 के वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके करीबी लोग को भी इसका फायदा मिल सके और आगे जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आगे आप लाभान्वित ले सके। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद।